जब हम श्रीमद् भागवतम में अलग-अलग अध्यायों में अलग-अलग लीलाओं में शिक्षाएं ढूंढते हैं, तो भागवतम पढ़ने का ज्यादा लाभ उठा पाते हैं। एक तरीका तो है कि केवल हम श्रीमद् भागवतम को जस्ट एक स्टोरी जैसे पढ़ते जाएं, जो भी प्रभुपाद की पुस्तक आप पढ़ रहे हो उसको आप केवल एक स्टोरी जैसे पढ़ते जाओ, एक तो वो तरीका है। और स्टोरीज अच्छी लगती हैं इसीलिए पुराण, पुराण मतलब क्या होता है, पौराणिक जो हिस्ट्री है, जो कथाएं हैं, उसको पुराण बोलते हैं। तो जहाँ कहानी के माध्यम से शिक्षा दी जाए उसको पुराण बोलते हैं। वेदों में ऐसा नहीं है, वेदों में कहानियां ज्यादा नहीं है, वेदों में सूत्र हैं, वेदों में श्लोक हैं, तो श्लोकों से डायरेक्ट टीचिंग दी जाती है, लेकिन पुराणों से कहानी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। हम लोग देखते भी हैं लेक्चर में ज्यादा फिलोसफी हो जाती है तो क्या होता है, नींद आने लगती है, फिर कोई एक आध कहानी सुना दो बीच में तो नींद टूट जाती है। तो पुराण कहानी के माध्यम से शिक्षा देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें कहानियों में तो बड़ी रुचि आती है, लेकिन जब मुख्य शिक्षा लेने की बात आती है तब हम वो शिक्षा ठीक से नहीं ले पाते हैं। इसलिए जब भी श्रीमद् भागवत हम पढ़ते हैं तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रेयर्स की शक्ति क्या होती है, जब हम प्रेयर्स करते हैं तो उसके माध्यम से हमें एंट्री मिलती है स्क्रिप्चर्स में। इसलिए क्लास के पहले भी हम लोग प्रेयर करते हैं, सुबह भागवतम क्लास होती है तो भी स्पीकर प्रेयर करते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से शास्त्रों के अंदर प्रवेश संभव होता है। तो उसी तरीके से हम लोग श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से कुछ हफ्तों पहले एक बहुत ही विशेष सत्र पर प्रवचन सुन रहे थे। महाराज 4th कैंटो 20th चैप्टर से बता रहे थे। ये पृथु महाराज की कथा में से ये श्लोक आता है, 4:24, 4th कैंटो 20th चैप्टर 4th वर्स। तो वहां पर बताया था, मैं आपको एक शॉर्ट बैकग्राउंड देता हूँ क्योंकि कई लोग पृथु महाराज के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे। पृथु महाराज भगवान के ही अवतार हैं। भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं, जिनमें से एक होता है शक्तावेश अवतार। जब किसी व्यक्ति को विशेष शक्ति दी जाती है भगवान के द्वारा, तो वो अवतार जैसे कार्य करते हैं। जैसे कि नारद मुनि को भक्ति की शक्ति दी है, भक्तावेश अवतार है, उसी तरह पृथु महाराज को शक्तावेश अवतार है। भगवान ने राज्य करने के लिए विशेषतः शक्ति प्रदान की है, तो भगवान के ही अवतार हैं पृथु महाराज। और ध्रुव महाराज के वंशज हैं। ध्रुव के बारे में सब जानते हैं, 5 साल की आयु में उन्होंने 6 महीने का क्रैश कोर्स किया और उन्होंने सबसे टफ एग्जाम निकाल दिया, ने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ध्रुव महाराज के ही जो वंशज हैं उनमें एक वंशज है महाराज पृथु। तो महाराज पृथु का जब जन्म हुआ, वह भी एक लंबी कथा है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो वो राजा के रूप से आए और उनका राज्याभिषेक हुआ, तो सारे देवी देवता आकर के उनको बहुत सारे पुरस्कार देने लगे, बहुत सारे उनका गुणगान करने लगे, ग्लोरिफिकेशन करने लगे। तो पृथु महाराज ने बोला कि देखो भाई, अभी हमने कुछ काम नहीं किया है, अभी हमारा राज्याभिषेक हुआ है, तो अभी से आप ग्लोरिफिकेशन क्यों कर रहे हो, है ना? अभी तो हमने कुछ काम ही नहीं किया, पहले कुछ काम तो करने दो। तो जब हम ऐसी चीजों का क्रेडिट लेते हैं जो हमने नहीं की है, तो कई बार ऐसी चीजों का ब्लेम भी मिलेगा जो आपने नहीं किया है। वेन यू टेक क्रेडिट फॉर थिंग्स विच यू हैव नॉट डन, यू विल ऑल्सो गेट ब्लेम फॉर वॉट यू हैव नॉट डन। जैसे मान लीजिए बेस में आप कॉलेज गए हैं और बाकी 2 भक्त जो उनका कॉलेज किया छुट्टी थी किसी कारण से, उनका ऑफ था, उन्होंने पूरे बेस की सफाई कर दी, और शाम को हुआ ऐसा कि वो दोनों भक्त प्रचार पे गए और आप अकेले बेस में डोल रहे हो इधर से उधर। इसी के बीच में अनीश प्रभु मृदुल प्रभु आते हैं और बोलते हैं, अरे प्रभु बेस तो बड़ा साफ दिख रहा है, आपने पूरा बेस साफ कर दिया। और आप अपनी कॉलर सही करने लगे, हाँ, मैंने बेस पूरा साफ कर दिया, जबकि आपने कुछ किया ही नहीं है, आप तो उधर इधर से उधर डोल रहे हो बस।
तो आपने क्रेडिट ले लिया, तो बाद में अब वो क्रेडिट तो आपका नहीं था, आपने दिया। ओके, आई वाज टेलिंग यू अबाउट पृथ्वी महाराज एंड हाउ पृथ्वी महाराज व्हेन ही वाज कोरोनेटेड ही टोल्ड दैट डोंट ग्लोरीफाई मी नाउ बिकॉज आई डिडंट डू एनीथिंग फ्रूटफुल एंड इफ यू ग्लोरीफाई मी नाउ एंड आई डोंट डू एनीथिंग देन पीपल विल लाफ एट मी बिकॉज इफ यू टेक क्रेडिट फॉर व्हाट यू हैव नॉट डन यू ऑल्सो गेट ब्लेम फॉर थिंग्स विच यू हैव नॉट डन so better not to take others credit so Prithu Maharaj is very exemplary in that way and he was assigned to take care of the whole earth so Prithu Maharaj saw the condition of the citizens that how earth was not giving any grains citizens were starving so Prithu Maharaj chastised earth Prithu Maharaj told that, why are you not giving grains? So then Earth told that the students of UEC, they are not chanting Hare Krishna. Therefore, I am not giving any grains. The more sinful you become, then Mother Nature doesn't help. So, jitna hum paap karenge, prakriti hame sahayata nahi karegi. Jitna hum bhakti karenge, prakriti hamara saath degi. To samay par, सारे जो प्रजा थी वो इतने पाप कर रहे थे कि पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था तो पृथु महाराज ने पृथ्वी को बोला देखो वो तुम्हारा काम नहीं है प्रजा को सुधारना मेरा काम है तुम तुम्हारा काम करो अन्न दो तो पृथ्वी अन्न देने लगी और पृथ्वी महाराज 99 यज्ञ करने लगे 99 यज्ञ पूर्ण हो गए 100वां यज्ञ पूरा होने वाला था लेकिन एक व्यक्ति को दिक्कत हो गई वो कौन था इंद्र क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है तो इंद्र को टेंशन आ गई कि हमारी कुर्सी जाने वाली है तो क्या करे तो इंद्र ने पृथु महाराज की यज्ञ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी बार बार उनका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र ले जाते थे पृथु महाराज ढूंढने लगे उनके बच्चे भी ढूंढने लगे और इंद्र अलग अलग रूप बना करके भैरूपिया बन करके उस घोड़े को छुपाता रहा अंत में पृथु महाराज ने सोचा कि अब इंद्र को हमको पनिशमेंट देना चाहिए तो पनिशमेंट देने के लिए जैसे ही तैयार हुए वैसे ही ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि पृथु महाराज आप अपना यज्ञ बंद कर दीजिए अब बताइए किसकी गलती थी इंद्र की गलती थी कि पृथु की गलती थी गलती किसकी थी हाँ इंद्र की बोला किससे जा रहा है बंद करने के लिए पृथ्वी महाराज से क्यों ऐसा जिसकी गलती है उसको समझाओ हमारी गलती नहीं हमको क्यों समझा रहे हो ज्यादा टॉलरेंट होंगे इसलिए ज्यादा टॉलरेंट है तो उसको दबाने का हो सकता है उनकी प्रजा के कारण हाँ हो सकता है उनकी प्रजा के कारण ऐसा हो कुछ नहीं प्रजा का इसमें ज्यादा कुछ रोल नहीं और कोई तुक्का पृथु महाराज को इसलिए समझाया क्योंकि ब्रह्मा जानते थे कि पृथु महाराज ज्यादा समझदार है जब दो बच्चों की लड़ाई होती है ना घर में तो बड़े को समझाया जाता है कि आप तो बड़े हैं ना आप समझ जाइए वो छोटा तो नहीं समझेगा तो वो जानते थे कि पृथु महाराज ज्यादा समझदार हैं इंद्र तो इतना समझदार नहीं है तो ब्रह्मा पृथु महाराज को बोलते हैं कि आप ये यज्ञ को बंद कर दीजिए अब प्रश्न है कि मान लीजिए कोई हमसे ईर्ष्या करता है ईर्ष्या करने के कारण अगर कोई हमारे काम में बार बार रुकावट डालता है हमारी चुगलखोरी सीनियर से करता है तो क्या करना चाहिए मान लो आप कोई विशेष काम कर रहे हो मान लो आप बहुत अच्छा गाते हो आपके गाने से दूसरों को जलन होती है दूसरे परेशान होते हैं दूसरों को ऐसा लगता है कि प्रभु जी इतना अच्छा क्यों गाते हैं हम क्यों नहीं गा सकते तो उनको दिक्कत होती है तो क्या करना चाहिए हाँ खुद सीखना चाहिए उतना अच्छा गाना नहीं उस भक्त को क्या करना चाहिए जो अच्छा गाता है
जिससे लोग जल रहे हैं उसको पता पड़ गया कि बाकी लोग मेरे से परेशान हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, बाकी लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है मेरी वजह से, तो उसको सामने चांस देना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ मृदुल प्रभु जी, हमको हम्बल पोजीशन लेने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि भक्त लोग ही हमसे खुश नहीं, तो जिस जो सेवा का उद्देश्य है वही सफल नहीं हो रहा है, मतलब तो गाना बंद कर देना चाहिए। वरिष्ठों को बताते हुए कि मैं इस वजह से बंद कर रहा हूँ और कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए। हाँ। फिर जो सीनियर वरिष्ठ है वो बीच में आएंगे दोनों चीजों के, और फिर वो कुछ ना कुछ सही। आपने 40% सही बोला, 60% थोड़ा मिलावट कर दी। सीनियर्स के पास जाके बताना नहीं चाहिए, पूछना चाहिए। हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, जाके बताएंगे थोड़ी कि हम गाना बंद कर रहे हैं, अब आप देख लो क्या करना है आपको। ऐसा नहीं बिहेवियर होना चाहिए, गाइडेंस मांगना चाहिए क्या करूं ऐसी कंडीशन में। देखो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, भगवान ने उनको इंस्पायर करके क्या बोला, आप युद्ध करो। और दूसरी जगह भागवत में ध्रुव महाराज के बारे में आता है, जब ध्रुव महाराज राजा बन गए, बड़े हो गए, तो उनके भाई को यक्षों ने मार दिया था और ताबड़तोड़ उन्होंने यक्षों को मारना शुरू किया। इतना यक्षों को मारा कि सारे यक्षों को खत्म करने वाले थे ध्रुव महाराज अकेले, तब आकर के उनको रोका गया कि भैया अभी आप मत युद्ध करो। तो एक भक्त को बोला जा रहा है कि आप युद्ध करो, एक को बोला जा रहा है कि आप युद्ध मत करो। यहां पर पृथु महाराज को बोला जा रहा है आप यज्ञ मत करो। वहां दूसरी ओर हम देखते हैं रामायण में विश्वामित्र की यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए स्वयं राम और लक्ष्मण घूमते हैं। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते क्या हमारे लिए अच्छा है क्या हमारे लिए बुरा है। सबसे सेफेस्ट काम क्या है, सीनियर्स के पास जाकर के बताना चाहिए, बताना चाहिए ना, बताना चाहिए। राजुल प्रभु हाँ बोल रहे, बताना नहीं चाहिए, पूछना चाहिए, इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, ये एनओसी देने का काम नहीं करना चाहिए हमको जाके। देखो हम कितने लकी हैं कि हमारे पास कोई पूछने के लिए है, और जब हम ऐसी गाइडेंस में रहते हैं तो हमारी गलती करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी पृथु महाराज को समझाते हैं कि आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए। क्या सोचिए, क्या वाकई में आपको इंद्र की पदवी चाहिए? क्या आप इंद्र के आसन पर बैठना चाहते हैं या फिर भगवान कृष्ण को अपने हृदय के आसन पर बिठाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ इंद्र और यू वॉन्ट कृष्ण टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ योर हार्ट? आप क्या चाहते हैं? तो पृथु महाराज ने बोला कि ऑफकोर्स आई वॉन्ट कृष्णस मर्सी, सो देन वॉट इज द बिग डील इन स्टॉपिंग द सेक्रीफाइस। उन्होंने गाइडेंस को एक्सेप्ट किया और वो मान गए। तो देखिए जिन्होंने भी अपने जीवन में इस प्रकार अच्छे नेतृत्व में, अच्छे मार्गदर्शन में, अच्छी गाइडेंस में भक्ति की है, उनकी भक्ति एकदम स्मूद टेक ऑफ करती है, स्मूद उसकी फ्लाइट चलती है और स्मूद वो गोलोक वृंदावन में लैंड कर जाती है। जो लोग गाइडेंस के बिना रहते हैं, मान लो आप प्लेन में बैठे हो और आपको पता पड़े कि पायलट का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया है, कितने मजे आएंगे, कितने लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ देखो हमारा कैप्टन कितना स्मार्ट है कि उसको कंट्रोल रूम से कॉन्टेक्ट की जरूरत ही नहीं है, कहाँ लैंडिंग करनी है, कितनी डिग्री पे करनी है, कौन सा रनवे यूज करना है, वो सब अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो करेगा और लैंड कर देगा, कितने लोगों को अच्छा लगेगा? हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार से हमारी भक्ति जीवन में मार्गदर्शन की बहुत बहुत आवश्यकता है। जब हमारे जीवन से मार्गदर्शन चला जाता है तो फिर क्या होता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो होता है, कई डिसीजन हम सही लेते हैं, कई गलत लेते हैं, और जो गलत लेते हैं वो दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। इसीलिए वैष्णवों के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में रहना हमको सीखना चाहिए। और जब हम ऐसे मार्गदर्शन में रहते हैं तो हमसे अपेक्षाएं की जाती हैं कि हम सही डिसीजन लें। देखिए मान लीजिए आप किसी एक लंबे समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी क्या इच्छा होगी कि वो बिजनेस डूब जाए या वो बिजनेस बहुत अच्छे से चले? सभी लोग चाहेंगे कि उनका बिजनेस अच्छे से चले। उसी प्रकार से भक्त लोग जब हमको लंबे समय से मार्गदर्शन देते हैं तो उनकी भी अपेक्षा यह होती है कि हम लोग
गलतियां ना करें, गलतियां करने के बाद ना पूछे, गलतियां करने के पहले पूछ ले तो गलतियां ही ना होंगी। अब गलतियां होने के बाद भी पूछे तो ठीक ही है, अंधा मामा से काणा मामा अच्छा, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए मैं ये वाला श्लोक आप लोगों को बताना चाह रहा था, जो कि आज का मुख्य थीम श्लोक था। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृश देव मायया श्रम एव परम जातो दीर्घ्या वृद्ध सेवया। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन, कोई भी एक वक्त अनम्यूट करके पढ़िए। आपका दिव्य प्रो, आपका साउंड बहुत डिस्टर्ब है, आपके ऐसे बहुत नॉइज आ रहा है। प्रभुपाद बीएससी से कोई पढ़ो। इफ अ पर्सनालिटी लाइक यू who are so much advanced because of executing the instructions of the previous acharyas is carried away by the influence of my material energy, then all your advancement may be considered simply a waste of time. तो भगवान विष्णु स्वयं आकर के ये बात बता रहे हैं। भगवान विष्णु स्वयं आकर के क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब, आपको हमने इतना अच्छा मौका दिया कि आपको दीर्घ वृद्ध सेवया, मतलब आपको पूर्ववर्ती आचार्य जो इस भक्तिमय मार्ग में निपुण हैं, ऐसे डिवोटीज की गाइडेंस आपको मिली और आप इतने लंबे समय से उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को पालन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी आप माया के चंगुल में फंस जाते हैं, तो फिर आपने जो कुछ भी अभी भक्ति की वो सब वेस्ट ऑफ टाइम। इज सिंपली ए वेस्ट ऑफ टाइम। आपने सिंपल टाइम पास किया है अभी तक। अभी आपको कोई बोले कि आपने इतने दिन जो चैंटिंग की है, ठंड के 3-4 degree टेम्परेचर में भी सुबह उठ के आप लोग मंगला आरती कर रहे हो, जप कर रहे हो, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। इतना अच्छा तो नहीं लगेगा आपको सुन के, थोड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा आपको सुन के। तो यहाँ पर भगवान पृथु महाराज को बोल रहे हैं कि अगर आपको इतना गाइडेंस मिला है, इतना आपको भक्तों ने समझाया है, इतना आपने उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है, और उसके बाद भी आप माया के चंगुल में पड़ जाओ, तो फिर आपने जो कुछ भी अभी तक भक्ति की है वो सब वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए जब हमें भक्ति जीवन में मार्गदर्शन मिलता है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। जितना गंभीरता से हम ये मार्गदर्शन को लेंगे, गाइडेंस को लेंगे, उतनी हमारे जीवन में गलतियां कम होंगी, उतना हमारे जीवन में हम अच्छा कुछ कर पाएंगे, मटेरियली स्पिरिचुअली दोनों ही। और जितना ज्यादा हमें भक्ति में दिया जाता है ना, उतनी अपेक्षा भी हमसे होती है। जैसे टीचर किसी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा टाइम दे तो वो सोचती है कि ये शायद अच्छा टॉप करे, अब वही बच्चा फेल हो जाए तो बहुत बुरा लगेगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमको इतनी सारी गाइडेंस मिली है, अब हमें इसको सीरियसली लेना है। हमारे अभी भी इतने सारे अटैचमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम भक्ति को सीरियसली नहीं ले पाते हैं। और इसीलिए हम लोग अलग अलग मौकों पर फेल हो जाते हैं। जब भी कभी हमारे कैरियर की बात आती है, कभी भी हमारे रिलेटिव्स की बात आती है, हमारी हेल्थ की बात आती है, हमको उसको फुल प्रायोरिटी देनी है। बट जितना प्रायोरिटी हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं, उतना ही प्रायोरिटी हमको अपने सोल को भी देना चाहिए। हम दूसरों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का पूरा ध्यान रखें और हमको तो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का कोई मतलब नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम बेस में रहते हैं तब तो सब अच्छा चलता है, क्योंकि अब सब उठ रहे हैं तो हमको तो उठना ही पड़ेगा, अभी सब क्लास में बैठे हैं तो मुझे तो बैठना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम थोड़ा सा भी बाहर जाते हैं, थोड़ा सा भी बेस से कभी बाहर जाने का मौका मिलता है, या कभी घर जाते हैं, या कभी जॉब वगैरह की वजह से आपको कहीं और भी शिफ्ट होना पड़ेगा, तो उस समय टेस्ट होगा कि आपने अपनी गाइडेंस को कितना सीरियसली लिया है। अगर आप उस गाइडेंस को ठीक से सीरियसली नहीं लिए हो अभी इस समय पर, तो बाद में जाके आपके लिए प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मान लो आप घर में अकेले हो, और घर में अकेले हो, आपको भूख लगी है, घर में कोई नहीं है, आप बहुत आवाज लगा रहे हो, मम्मी खाना दे दो, पापा खाना दे दो, घर में कोई है ही नहीं, तो आप क्या भूखे मर जाओगे?
खुद जाओगे किचन में उठा करके रोटी लोगे और खा लोगे। अगर कुछ नहीं बनाए तो थोड़ी बहुत कुकिंग तो बेस में सीख ही गए होगे सब लोग, तो बना ही लोगे। उसी प्रकार से अगर कभी ऐसी स्थिति भी आ जाए जहाँ भक्त लोग हमारे आसपास में नहीं है, हमें कोई देखने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी भक्ति को भूखा मार देंगे। नहीं, उस समय हमारी सिंसियरिटी पता पड़ेगी कि हमने कितनी भक्ति की शिक्षाओं को अंदर तक लिया है, डीपली लिया है। इसीलिए वो हमारा टेस्ट होता है। हम लोग कितना इंपॉर्टेंस अपनी बॉडी को देते हैं। मैंने खाने का एक सिंपल एग्जाम्पल दिया। मान लो किसी के घर में कोई शादी होती है, हमारे एक डिवोटी थे, उनके घर में शादी थी, उन्होंने एक महीना सब काम से छुट्टी लेके पूरा टाइम अपने भैया की शादी में लगाया। कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एक शादी को। इसी प्रकार से हम अपनी फैमिली को, हेल्थ को, कैरियर को, सबको टाइम देते हैं, क्या हम उतना ही प्रायोरिटी अपनी भक्ति को भी देते हैं? पूछना चाहिए। अगर मैं अभी बोलूं कि ये स्वेटर और ये बॉडी में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बोलोगे प्रभु जी स्वेटर तो हजार आ जाएंगे, बॉडी बचाना चाहिए, बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं पूछूं कि बॉडी और सोल में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये सिंपल शिक्षा है, प्रभुपाद हर लेक्चर में बोलते हैं, हर बुक में बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में नहीं जाती है। बॉडी और सोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी तो हजारों आई हजारों गई, लेकिन फिर भी हम सोल के लिए उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितनी हम बॉडी के लिए देते हैं, तो फिर हम कितने इंटेलिजेंट कहलाएंगे? इसीलिए हम लोगों को रियलाइज करना चाहिए, वी शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। भक्ति प्रेम महाराज एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, बार बार देते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है और बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है। महाराज बोलते हैं कि आपके घर वालों ने पूरी प्रॉपर्टी बेच बाच के पूरा इन्वेस्टमेंट किया गोल्ड खरीदने में, और आपको एक किलो गोल्ड दिया, एक किलो की सॉलिड ब्रिक है गोल्ड की, पूरा आपके पिताजी की कमाई, दादा परदादाओं की, सब बेच बाच के एक किलो की गोल्ड की ब्रिक आपके बैग में दिए, बोला बेटा इसको संभाल के रखना, आपकी जिंदगी इससे बन जाएगी। आप रास्ते में जा रहे हो, ब्रिक आपके बैग में है, आलू बेचने वाला मिला आपको रास्ते में, आपको याद आया अरे हमने तो प्लान किया था बेस में कल आलू के पराठे बनाएंगे, तो आलू तो है ही नहीं, तो आलू वाले से आलू खरीदने के लिए गए, आलू पैक करा लिए आपने 5 किलो आलू। अब उसने बोला भैया पैसे निकालो, पैसे तो हमारे पास है नहीं, मोबाइल में भी रिसेप्शन नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, पेटीएम भी नहीं कर सकते। आपने निकाल के वो 1 किलो की सोने की ईट उसको 5 किलो आलू के बदले में दे करके आप आ गए। कितने इंटेलिजेंट, आपको कितने नंबर मिलने चाहिए 100 में से? कितने नंबर मिलने चाहिए? जीरो, जीरो, माइनस मिलना चाहिए। ये आलू 5 किलो आलू के लिए 1 किलो सोना दे करके आ गया। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि स्पिरिचुअल लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना बचिन दुख कही वो कहारे। इतना भयंकर अपने आप को चीट करके आओगे तो दूसरे को बताओगे भी कैसे कि पिटाई हुई तो हुई क्यों? भाई जिन लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में पता ही नहीं है, माया उनको पटक पटक के मार रही है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना समझा चुके हैं, बुक्स पढ़ा दी, काउंसलिंग चल रही है, बेस में हम रह रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही माया पकड़ के हमको ले जाती है, इसका मतलब क्या है? हम लोग एक नंबर के मूर्ख हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आई विल रिपीट अगेन, द मोर इज गिवन द मोर इज एक्सपेक्टेड। भाई जिसको ये पता ही नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, आप उसको कितना ब्लेम करोगे? लेकिन हमको पता है, हम इस पाथ में आ गए हैं, हमको गाइडेंस मिल रही है, डिवोटीज हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम उसको सिंसियरली नहीं लेते हैं, और किसी कारणों से अगर हम भक्ति भक्तों के संग से दूर जाते हैं, फिर बुरी आदतों में चले जाते हैं, फिर भक्ति में ढीले पड़ जाते हैं, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य और किसका होगा? प्रभुपाद के शिष्यों को इतना गाइडेंस नहीं मिली थी जितनी हमको आज मिल रही, हर स्टेप पे गाइडेंस। कभी भी कोई दिक्कत आई, फोन लगा के पूछ लो प्रभु जी ये हो रहा है वो हो रहा है। प्रभुपाद डिसाइपल्स को इतनी गाइडेंस नहीं थी। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, आई विल बिल्ड यू ए टेम्पल, उसमें गिरिराज महाराज बताते हैं कि बॉम्बे का जब प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था जुहू का, तो वो लैंड मिलने से पहले भक्त लोग एक अपार्टमेंट में रहते थे, उस अपार्टमेंट का नाम था आकाश गंगा। तो जब लैंड मिल गई तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि अब आप लोग सब कुछ शिफ्ट करके
लैंड पर ही आ जाओ, आकाश गंगा अपार्टमेंट खाली कर दो। तो वो डिवोटीज गए सब सामान उठाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उनके अपार्टमेंट में एक नया व्यक्ति बैठा है, उसको पहले कभी नहीं देखा था इन्होंने। तो श्याम सुंदर प्रभु थे, उसके पास जाकर के पूछते हैं कि भाई साहब आप कौन? तो बताता है कि मैं डच हूँ और मेरा नाम हैंस है। तो डिवोटीज ने बोला कि अच्छा बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर कैसे आए? बोले मैं एक हिंदू मंदिर ढूंढ रहा था, किन्हीं लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ हिंदू पूजाएं होती हैं, तो यहाँ मैं आकर के बैठ गया। तो श्याम सुंदर प्रभु ने बोला देखो हम ये अपार्टमेंट तो खाली करने वाले हैं और हम लोग अपनी नई लैंड पर जा रहे हैं जुहू लैंड में, तो आप हमारे साथ चलोगे क्या? उसने बोला हाँ चलते हैं। तो तीन टैक्सी बुक करी उन्होंने, सारा सामान लोड किया जितना भी अपार्टमेंट में था, सारे डिवोटीज बैठ गए और राधा रास बिहारी की मूर्ति भी साथ में थी। एक भक्त ने एक टैक्सी में अपनी, तीन भक्त पीछे बैठे थे उन्होंने अपनी गोदी में रख ली, दूसरी टैक्सी में रास बिहारी, एक टैक्सी में राधा रानी, ऐसे रख करके तीनों टैक्सी जुहू में आ गई। सब भक्त उतर उतर के चले गए, वो अकेला वो लड़का खड़ा था वहां पर हैंस जो डच था, बेचारे को तीनों टैक्सियों का फेयर भरना पड़ा, तीनों टैक्सियों का किराया उसको भरना पड़ा। चलो वहां तक तो बात ठीक थी। अब वो जुहू लैंड में उन्होंने टिन टप्पर का सादा सेटअप लगाया था, वहां पर राधा रास बिहारी को रखा और प्रभुपाद वहीं पर पास में एक भक्त के घर में रहते थे। तो भक्तों ने बोला कि अच्छा आप अब यहाँ तक आए गए तो हमारे साथ रात में रुक जाइए। तो बेचारा रात में उनके साथ ही रुक गया, एकदम नया लड़का है फ्रेश। अगले दिन सुबह 3:30 बजे भक्त लोग सब उठे तो उसको भी उठा दिया, अब उसको ठंडे पानी से नहला दिया, बोले जप करो बैठ के। बोले क्या जप करने का है? उसको महामंत्र लिख के दिया, बोले इसको बार बार बोलते रहो बस यही जप है। बेचारा 2 घंटे तक जप करता रहा, तैयार हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ। ब्रेकफास्ट के बाद ब्रह्मानंद प्रभु वहां पर थे, वो बोलते हैं कि प्रभुपाद आपसे मिलना चाहते। किसी ने प्रभुपाद को बता दिया उसके बारे में, तो प्रभुपाद आपसे मिलना चाहते हैं। बोले ठीक है अच्छी बात है, प्रभुपाद कौन है? बोले हमारे स्वामी जी हैं, पूरी दुनिया में इन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया है, इस्कॉन के संस्थापक हैं, चलिए आप मिलने के लिए चलिए उनसे। लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आपको बार बार के पास जाना पड़ेगा। बोले ये कौन सी रस्म है? बोले ये रस्म ऐसी है कि बार बार को आपको 1 रुपया देना है और आपका वो सिर शेव करेगा, हेड शेव करेगा पूरा, और हेड शेव करके ही हमारे स्वामी जी से कोई मिल सकता है। अब ऐसी कंडीशन थी नहीं, लेकिन ब्रह्मानंद प्रभु ने जोड़ दिया अपने मन। अब वो बेचारा नया तो था ही, अब गया वो, उसने हेड शेव भी करा लिया, हेड शेव करा के प्रभुपाद के सामने पहुंचा दिया। प्रभुपाद को लगा ये तो पक्का भगत बन गया एक दिन में। तो प्रभुपाद देख के बड़े खुश हो गए। प्रभुपाद बोलते यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो हंस बोलता उसने तो खुद के आईने में शक्ल भी नहीं देखी थी, बोलता यस प्रोबेबली अच्छा ही दिख रहा होगा मैं। प्रभु बोलते हाँ क्या मतलब है, ये शरीर तो वैसे ही मृत है, मृत शरीर को सजाने से क्या फायदा है? तो उसने भी हाँ भर लिया, हाँ मृत शरीर को सजाने से तो कोई फायदा नहीं है। तो बोलता है आज से है तुम अपने शरीर को सजाना बंद करो, मंदिर को सजाना शुरू करो। तो तुम्हें मैं काम देता हूँ, जुहू मंदिर का पूरा प्लान तुमको बनाना है, आर्किटेक्चर प्लान। 24 घंटे भी नहीं हुए उसको इस्कॉन में आए हुए, हाँ अभी शाम को जुड़ा था, सुबह उसको एडशेव करा के प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, तुमको पूरे जुहू मंदिर का आर्किटेक्चरल प्लान बनाना है। हंस बोलता है अच्छा मैं कैसे बनाऊंगा, क्या करूंगा? तो श्याम सुंदरपुर तुरंत उसको कुछ पेपर्स लाते हैं और पेंसिल लाते हैं, बोले ये तुम्हारा ऑफिस है, ये पेंसिल और पेन, ये लेकर के प्लान बनाना शुरू कर दो। उन व्यक्ति ने जुहू जैसे प्रोजेक्ट की ड्राइंग बनाई, कैन यू इमेजिन, जो 24 घंटे भी इस्कॉन में नहीं था, इतना एक्सपेक्टेशन उससे था और उसने पूरा करके बताया। प्रभुपाद ने उसको अगले दिन दीक्षा भी दे दी, ये नेक्स्ट डे जिस दिन हेडशिप किया उसके अगले दिन प्रभुपाद ने दीक्षा दे दी उसको। और प्रभुपाद का क्या एक्सेंट तो था थोड़ा बंगाली, उसको नाम दिया था सौरभ, तो प्रभुपाद बंगाली एक्सेंट बोले सौरभ, तो उसको समझ में नहीं आया, उसको लगा शायद जौरव बोल रहा है मेरे को, तो उसको नाम भी समझ में नहीं आया खुद का। लेकिन उस व्यक्ति ने जुहू मंदिर की ड्राइंग बना दी। अब अपन अपने आप से कंपेयर करिए, हमको कितना कुछ मिला है भक्ति में। इन लोगों ने जिनको आधा दिन संग मिला भक्तों का, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, इतना डेडिकेशन दिखा दिया। हमको सीरियस बनना पड़ेगा, हमको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। जो जो अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट गाइडेंस हमको दी जा रही है, उसके अनुरूप हमको भी
अपनी भक्ति में गंभीर बनना पड़ेगा। और भक्ति में गंभीर बनने का मतलब क्या है कि भक्ति को हम प्रायोरिटी दें। हम हर चीज को प्रायोरिटी देते हैं, हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, घर वालों को प्रायोरिटी देते हैं, सबको प्रायोरिटी देते हैं, भक्ति को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो इसलिए गंभीर बनने का मतलब है भक्ति को हम प्रायोरिटी दें। और हमेशा याद रखें कि देखो मेरे लिए प्रभुपाद ने कितना हार्ड वर्क किया है, मेरे लिए भक्तों ने कितना हार्ड वर्क किया है। और अगर हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी तो हम भक्ति में बड़े गंभीर बन जाएंगे और तब हमारे लिए एवरी स्टेप विल बी ए जॉय, हर पद पर हम आनंद का अनुभव करेंगे। इसलिए मेरा ये निवेदन है, आप लोग वैसे ही बहुत अच्छे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, गंभीरता से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जितना अच्छे से अभी आप गाइडेंस लेंगे भक्तों की, जितना अच्छे से आप गाइडेंस में रहेंगे, उतना ही आगे अगर ऐसी परिस्थिति आई जहां आपको माया और कृष्ण के बीच में चुनाव करना पड़े, वहां पर आपके लिए सरल होगा कृष्ण का चुनाव करना और माया के प्रलोभन को ठुकराना। द मोर इज गिवन द मोर इज एक्सपेक्टेड। तो ये श्लोक को एकदम मार्क कर लीजिए, कभी भी मन इधर उधर भटके तो ये श्लोक को देख लेना कि भाई मैंने ऑलरेडी इतनी भक्ति करी है, अभी मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं किया मैंने, मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, माया के सेकेंडरी प्रलोभनों में आकर के मुझे अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। एनी क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न है? कृष्ण प्रभु जी, यस प्रभु जी, जब मंत्र जाप करते हैं तो उसमें अपनी क्वालिटी और इम्प्रूव कैसे करें ताकि अपन और मतलब कर सके और माला कर सके? देखिए जप में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है स्पष्ट बोलना और ध्यान से सुनना। इसके अलावा जप में और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर हम ध्यान से सुनते हैं जो हम महामंत्र का जाप कर रहे हैं, ठीक से सुनते हैं, तो फिर हरिनाम हरिनाम करने में हमको टेस्ट आता है। और जिस चीज में हमको टेस्ट आता है उसमें किसी को बोलना नहीं पड़ता कि और खा लो। जैसे किसी को आइसक्रीम अच्छी लगती है और अनलिमिटेड नेचुरल्स की आइसक्रीम रखी हो सामने, आपके मनपसंद फ्लेवर सारे हो, तो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि प्रभु जी थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा और ले लो ना प्रभु जी प्लीज, वो बोलना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप ले लेके खाओ। उसी प्रकार से हरिनाम में जब हम ठीक प्रकार से सुनते हैं, हम गलती कहाँ करते हैं, हम ठीक प्रकार से सुनते नहीं। जब हम हरिनाम को बोलते हैं तो हमारा मन कहीं और भटक रहा रहता है, हम सुनते नहीं। जब हम सुनते नहीं तो हमको टेस्ट नहीं आता, जब हमको टेस्ट नहीं आता तो हमको और माला करने की इच्छा नहीं होती। तो एक एक माला पहाड़ चढ़ने जैसी लगती है। तो केवल यही कीजिए, शांति से बैठ करके जब जब करते हैं सुनने का प्रयास करो, सुनने से उसमें टेस्ट आएगा। टेस्ट करोगे तो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, आप एक्स्ट्रा राउंड्स अपने आप करोगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अनिश प्रभु हैंड्रेस किए हैं। कृष्णा प्रभु धन्यवाद। तो अभी तक एक्चुअली ये जो आपने श्लोक बताया बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक लगा मुझे, ये याद नहीं था एक्चुअली। कि मुझे एक डाउट प्रभु इसमें ये आ रहा है कि जैसे इसमें लिखा है कि अगर कोई ऑल्दो बीइंग एडवांस्ड अगर कोई माया के द्वारा कैरिड अवे हो जाए तो उसकी डिवोशनल एक्टिविटीज आर सिंपली लाइक वेस्ट ऑफ टाइम ही है। पर जैसे ऐसा भी एक श्लोक है जिसमें बताते हैं कि कभी कोई एडवांस डिवोटी है और उससे अगर कोई गलती हो जाए तो इट शुड नॉट बी टेकन वेरी सीरियसली, भगवान उसको फिर भी कृपा प्रदान करते हैं, तो उसको कैसे समझेंगे हम लोग? देखिए भगवान कृपा प्रदान करते हैं वो हो गया ग्रेस मार्क्स, लेकिन अगर वो अच्छे से करता था तो कितना और ज्यादा कर सकता था। वन थिंग इज कंसिडरिंग, चलो ठीक है नहीं कर पा रहा है, बच्चा तो अपना ही है, भगवान यह सोच करके उसको माफ भी कर देंगे, भक्ति में आगे बढ़ने का दूसरा मौका भी देंगे और भक्ति तो खत्म होती भी नहीं है, जो नेहा विक्रम नाशुस्त, तो भक्ति का तो विनष्ट होती नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा कल्पना कीजिए कि अगर वो प्रलोभनों में नहीं फंसता और सेवा में रत रहता, पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग पर चलता, तो कितना और कर सकता था, यह सोचना चाहिए। जैसे मान लो कोई सिगरेट पीता है, चेन स्मोकर है, और वो आपसे तर्क कर रहा है कि देखो मेरी 55 तो एज हो ही गई,
मैंने इतनी एज तो जी ली और मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है, मैं तो बढ़िया सिगरेट फूक रहा हूँ, तो उसको आप क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे, भैया अगर सिगरेट नहीं फूकोगे तो 55 क्या 105 भी जी सकते हो। अगर आपका स्टेमिना इतना है कि इतनी सिगरेट फूकने के बाद भी 55 में कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब अगर सिगरेट नहीं पियोगे तो 105 जी जाओगे। तो उस प्रकार से सोचना चाहिए कि इतना इन्वेस्टमेंट भक्तों ने दिया है, इतना टाइम दिया है, इतना मार्गदर्शन दिया, तो अभी एकदम रॉकेट जैसी भक्ति बढ़नी चाहिए, वह लक्ष्य से आगे बढ़ना चाहिए। और फिर अगर हम ग्रेस मार्क्स के लिए बैठे हुए हैं तो फिर वो तो कोई भी कर लेता है। रथ यात्रा में एक बार रथ खींचने से जगन्नाथ भगवत धाम लेकर के जाते हैं, तो इस तरह तो स्कीम्स चली रही है। दामोदर मंत्र में दीपक दिखा दो, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। राधा कुंड में एक बार नहा लो, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। ये सब स्कीम्स तो ऑन है ही, लेकिन गंभीरता से अगर भक्ति करेंगे तो क्या फल मिलेगा, वह सोचना चाहिए। सो वी शुड नॉट लुक फॉर पासिंग मार्क्स, वी शुड लुक फॉर टॉप, दैट शुड बी अवर एम। ठीक है, थैंक यू ब्रो। एक और क्वेश्चन। हरे कृष्णा ब्रो जी, दंडवत प्रणाम। वैसे ब्रो जी आपने बताया कि हमें जितना ज्यादा रियलाइजेशन हो गया तो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, लेकिन हम कभी 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 क्या अक्सर देखते हैं कि हमें रियलाइजेशन उतना आता नहीं है, तो उसका मतलब है कि हम सीरियसनेस के साथ उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं और डिटेलिंग नहीं, डिटेल्स पे अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसे डिटेल्स देख सकते हैं और कैसे सीरियसनेस के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखिए, मुख्य इसका स्टेप है, सबसे पहले तो महत्व समझना। कभी भी हम कोई भी चीज करते हैं ना, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए। तो हमको सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये गाइडेंस मिल रही है, ये डिवोटीज मुझे टाइम दे रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं। जब हमें इंपॉर्टेंस पता होगी तो हम ठीक प्रकार से उनके इंस्ट्रक्शंस को याद रखेंगे। भाई आप अगर कोई भूल भुलैया में फंस गए हो और किसी ने आपको फोन करके बताया कि लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो आप कितना ध्यान से सुनोगे उसकी बात को कि भैया मुझे इस भूल भुलैया से निकलना है। और अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप उसकी ध्यान नहीं दोगे उसकी बात। उसी तरह हम मटेरियल वर्ल्ड में फंस गए हैं, हमको यहाँ से बाहर निकलना है, उसका उपाय क्या है? भक्तों की सजेशंस, भक्तों की गाइडेंस। तो जितना हम गंभीरता से उनकी गाइडेंस को सुनेंगे समझेंगे, उतना ही हम फॉलो करेंगे, और जब हम फॉलो करेंगे तो हमको रियलाइजेशन आएंगे। जब रियलाइजेशन आएंगे तो हम भक्ति में और पक्के होंगे। तो वो पूरा का पूरा फ्लो है इंपॉर्टेंस के लिए। इसीलिए रोजाना प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना है, रोजाना भक्तों का संग करना है, सीनियर भक्तों से सुनना है। इससे क्या होता है, हमारी इंटेलिजेंस शार्पन होती है, हमको समझ में आता है कि व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, जो भी हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। इसलिए रोज हम लोग क्लास रखते हैं, रोज हम लोग बुक रीडिंग रखते हैं। क्या जरूरत है इसकी, जिससे हम लोग भूले ना कि जिस पाथ में हम हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसको एज इट इज हमको फॉलो करना है, तब हमारे अंदर रियलाइजेशन आएंगे। रियलाइजेशन अदरवाइज इतने आसानी से आते नहीं, केवल टाइम निकलने से रियलाइजेशन नहीं आएगी, हम कितना परफेक्टली फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं उससे रियलाइजेशन आएगी। ठीक है 6 बजे मेरी एक और क्लास है। सॉरी मैं बीच में 10 मिनट के लिए गायब हुआ, क्योंकि मेरा बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। और फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते और हम लोग फिर अपनी रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय।